हेलो एवरीवन आर वी लाइव नाउ गुड आफ्टरनून मिस्टर पैशनेट गुड आफ्टरनून ओम प्रकाश संजीत वीरेंद्र पलक आई एम गुड पलक हाउ आर यू गुड आफ्टरनून साई प्रसाद गुड आफ्टरनून मंजीत ओके सो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक बार सभी लोग ऑल दोज हुर प्रेजेंट इन द क्लास प्लीज लाइक द सेशन लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ओके ओके सो एक बार क्विकली बता देती हूं कि आज जो है वो रिपब्लिक डे सेल का लास्ट डे है तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पर इस ऑफर के तहत कुछ भी परचेज़ करना है तो आप शीतल कोड का यूज़ कर सकते हैं टू तो गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन इट ठीक है शीतल कोड का यूज़ करें दिस इज़ द लास्ट डे टू तो अवेल दिस ऑफ़र जिसमें बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पर डबल वैलिडिटी प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ है बैंकिंग कोर्सेज़ पर फिफ़्टी का ऑफ है एस के कोर्सेज़ पर फोर्टी का ऑफ है और जैब कैब इलीट पर या फिर जैब कैब के सब्सक्रिप्शन पर थर्टी है कोर्सेज़ पर फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ है जबकि जैसे आर बी आई ग्रेड बी एंड सिट बी वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं इन पर आपको फोर्टी परसेंट का ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग शीतल कोड तो इंटरव्यू बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं प्लस एफ सी आई मेन्स का जो फुल कोर्स है ये अवेलेबल है प्लस एफ सी आई जी ए जी एस कोर्स आपके लिए अवेलेबल है अगर किसी को मेन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जी ए जी एस कोर्स लेना है शीतल कोड का यूज़ कर सकते हैं प्लस ये आपका बैंकिंग सुपर इलीट में भी इंक्लूडेड है तो जिनके पास वे बैंकिंग सुपर एलिट है तो उनको भी इसका एक्सेस जो है वो मिल जाएगा ठीक है ऑल राइट एल आई सी डब्ल ओ एंड एल आई सी ए डी ओ इन दोनों की यहाँ पर बैचेज शुरू हो चुके हैं शीतल कोड का यूज करें टू गेट मैक्सिमम ऑफ मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे पेड बैचेज आपको मिल जाएंगे ऑलिबोर्ड ऐप पर जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से डायरेक्ट आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे प्लस ऑलिबोर्ड का वाई टी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए डेली मेरी क्लास होती है यहाँ पर बारह बजे चलो शुरू करते हैं आज का सेशन सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इट सेज दैट हु ंग दलोइंग इज हैज इनोगरेटेड सेवेंथ एडिशन ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन इंदौर इंदौर के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर तो आपसे पूछ रहा है इसका सेवेंथ एडिशन किसने इनोग्रेट किया तो आंसर इधर क्या होगा आंसर हो जाएगा मैम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर क्या किया इनोग्रेट किया है अब बात करूँ मैं अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तो ये बहुत सारी जगह पर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं कहीं पर इसको वेंचर कैपिटल ग्लोबल इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी समिट भी कहा कहा गया जब इसको बैंगलोर में कंडक्ट कराया गया अभी सेवेंथ एडिशन इसका कहाँ पर हुआ है इं, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और इसी टाइप का एक और इन्वेस्टर समिट जो है वो फेब्ररी मंथ के अंदर कहाँ पर होने वाला है यूपी के अंदर होने वाला है तो आप याद रखेंगे यहाँ पर सेवेंथ एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हुआ पी नरेंद्र मोदी ने इसको इनोग्रेट किया इंदौर मध्य प्रदेश में और ये इनॉग्रल सेशन जो था इस समिट का इसको किसने

वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज नेक्स्ट है यहाँ पर असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैज लॉन्च जियो ट्रू फाइव जी सर्विसेज इन विच सिटी ऑफ असम असम की कौन सी सिटी के अंदर जियो टू फाइव जी सर्विसेज जो है वो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कौन से ऐसे असम के शहर के अंदर इसको शुरू किया है आंसर यहाँ पर क्या होगा फटाफट से बताओ ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम गुवाहाटी के अंदर इसको क्या किया गया है कंडक्ट कराया गया है देखो गाइज मुझे ना आंसर जो है वो बहुत ही स्पीडी वे में चाहिए मतलब एकदम

है, ये चौदह जनवरी को कहां पर कंडक्ट हुआ यह गंगा सागर मेरा जो है यह वेस्ट बंगाल के अंदर कंडक्ट किया जाता है जहां पर दूर दराज से लोग यहां पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं ओके नेक्स्ट यहाँ पर याद रखना है आपको असम के अंदर तो ठीक है फाइव जी सर्विसेस ले आया है नेक्स्ट पर है एक सैंड आर्टिस्ट है बड़े ही प्रसिद्ध है सुदर्शन पटनायक आपने नाम भी सुना होगा इनका तो इन्होंने पर वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्कल्पचर जो है यानी कि हॉकी का आ, कह सकते हैं मूर्ति टाइप बनाई है तो ये उड़ीसा की कौन सी नदी के किनारे इन्होंने ये बनाया है ऑप्शन है आपके वहा नदी भ्रमणी बैतारिणी या फिर सुबर्ण रेखा रिवर तो आंसर हो जाएगा महानदी महानदी एक काफी प्रोमिनेंट और

पांच फीट लंबी हॉकी स्टिक यहां पर बनाई गई है टू मार्क द कमेंसमेंट ऑफ हॉकी विमेंस वर्ल्ड कप 2023 जो 13 जनवरी से शुरू हो चुका है उड़ीसा के अंदर ये मेंस वर्ल्ड कप है जो उड़ीसा के दो शहरों में कंडक्ट किया जा रहा है वो दो शहर कौन से हैं है? मैम एक हो जाएगा भुवनेश्वर और दूसरा कौन सा हो जाएगा मैम दूसरा हो जाएगा भुवनेश्वर के अलावा राउरकेला ठीक है कौन सा है राउरकेला इन ट्विन सिटीज़ के अंदर इसको कंडक्ट किया जाने वाला है याद रखना सुदर्शन पटनायक जो है इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है 2014 में कल आपके पदम अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो गई है आपके टोटल 106 सौ पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं जिसमें कि छः आपके जो पद्म अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए पद्म विभूषण में उसके अलावा नौ अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए पद्म भूषण वालों के लिए नौ व्यक्ति चुने गए हैं और नाइन्टी जो हैं वो चुने गए हैं पदम श्री के लिए तो मैं आज एक सेशन लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या कौन कौन ऐसे हैं जो पदम बॉडीज़ हैं और कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनका आपको याद रखना है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर तो

विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल एम आर एस एस ए इनमें से किसने यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है एम आर डबल एस ए आंसर क्या हो जाएगा हमें मेघालय के अंदर लॉन्च किया गया पूरा नाम क्या एम आर डबल एस ए का ये है मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है कॉन्ट के सांगमा उन्होंने इस ऑनलाइन पोर्टल को क्या किया है लॉन्च किया है प्लस यहाँ पर यह कह रहे हैं कि 6000 से ज्यादा जो विलेजेस हैं जो गांव हैं उनको ये कनेक्ट करेंगे और उनको ऑनलाइन सिस्टम के तहत लेके आएंगे मेघालय में अच्छा मेघालय के अंदर डी कंजेशन लाने के लिए क्योंकि शिलोंग वाला जो एरिया है ना वहां पर डी कंजेशन लाने के लिए इन्होंने कुछ कॉमन स्कूल बस सिस्टम भी शुरू किया है बस सिस्टम यहाँ पर शुरू किया गया प्लस टूरिज्म व्हीकल शुरू किए गए हैं वो कितने हैं फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में आंसर

ठीक है तो आई जो है उसने आर के साथ में मिल के इंडियन एयरफोर्स ने आरबीआई के साथ में मिल क्योंकि बिकॉज हमारे दिमाग में तो यही आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस है तो ओबेसी बात है किसने लगाया होगा सेमिनार आरबीआई ने लगाया होगा लेकिन यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी सी पलट गई हैं क्यों क्योंकि ऑर्गेनाइज इसने किया है लेकिन सपोर्ट आर की तरफ से इसको मिला है एयरफोर्स ऑडिटोरियम में ही इसको लगाया गया न्यू डेली में नाम क्या दिया इस सेमिनार का सेमिनार का नाम दिया फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड अवेयरनेस फॉर एयर वॉरियर्स कि जितने भी यहाँ पर वायुसेना के जो भी जवान हैं उनको फाइनेंशियली अवेयर होने चाहिए उनको डिजिट डिजिटलाइजेशन और फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग उनके अंदर एजुकेशन होनी चाहिए तो यहाँ पर आर की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स गए थे जिन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स फाइनेंशियल अवेयरनेस बैंक फ्रॉड कैसे होते हैं ओम्बर्समेंट का क्या रोल होता है इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया इन सभी जवानों के साथ में तो यहाँ पर चार से ज़्यादा एयर वॉरियर्स जो थे डिफरेंट रैंक्स के जो भी वायुसेना के जवान थे वो इस सेमिनार को उन्होंने चार ज़्यादा ऐसे जवानों ने अटेंड किया नेक्स्ट इज एयर इंडियन रेलवेज विल भी इंट्रोड्यूस द न्यू अवतार हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कॉल्ड वंदे भारत टू तो इंडियन रेलवे जो है ये यहाँ पर क्या करने वाली है नए अवतार की हाई स्पीड speed... ट्रेन ला रहे अभी कितना है अभी है सेमी हाई स्पीड लेकिन अभी सेमी हाई स्पीड को ये हाई स्पीड में लेके आने वाले हैं और वंदे भारत टू कह रहे हैं अभी ये कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितने तक होगी तो मैम 180 होगी अभी रिसेंटली कितने किलोमीटर पर आर वाली चल रही है 160 वाली चल रही है अब वंदे भारत टू जो है ये अपना यहाँ पर बेस्ट और अपग्रेडेड फैसिलिटीज जो है पैसेंजर्स को प्रोवाइड करेगी यहाँ पर फिफ्टी टू के अंदर ओनली फिफ्टी टू के अंदर ये जीरो से सीधा हंड्रेड किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर काम करना शुरू

एलसीडी टीवी लगा दिया है फिफ्टीन परसेंट मोर एनर्जी एफिशिएंट एसी एसी जो लगे हैं वो ऐसे हैं जो पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है यानी कि कम बिजली यहाँ पर यूज़ करते हैं प्लस डस्ट फ्री क्लीन एयर कूलिंग यहाँ पर देते हैं तो अब आप देखिए ना कि किस टाइप का यहाँ पर बिल्कुल एकदम लग्जरी आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी रेलवे ने टारगेट सेट किया है कि वो ऐसी वंदे भारत टू वाली सेवेंटी फाइव ये ट्रेन जो है ये अगस्त दो तक मैन्युफैक्चर करना है तो करना है ऑपरेशनल कब होगी वो बाद में बात है लेकिन अभी ये मैन्युफैक्चर करेंगे अगस्त 2023 तक इस क्लास के पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें यहाँ पर चीता शर्मा ज़ीरो वन पर ठीक है और कोई डाउट है तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अप्रोच कर सकते हैं नेक्स्ट इज यार मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर वेज विल बिल्ड द नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से कौन सी जगह पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आने वाला है मैम लोथल के अंदर आने वाला है और लोथल कहाँ पर पड़ता है मैम ये गुजरात के अंदर पड़ता है इसके ऊपर टोटल कितने करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी मैम साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपए इसके ऊपर पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाने वाला है अब इसकी आधारशिला किसने रखी थी तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने क्या रखी थी इसकी आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन इस

टू फंड चेयर टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट रिसर्च तो इनमें से कौन से बैंक ने एमओ यू साइन किया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में आंसर हो जाएगा मैम एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक आई ई जी के साथ में इसने पार्टनरशिप किया क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट रिसर्च वगैरह करेंगे अच्छे से ठीक है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि एच डी एफ सी बैंक चेयर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है यहाँ पर अब ये क्या करने वाले हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का कैंपस न्यू डेली में अपने यहाँ पर खुलवाने वाले हैं जिसके बाद में यहाँ पर पांच सालों के लिए इस

अवार्ड किसको थमाया किसके हाथ में दिया है भरानी के हाथ में दिया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर लोकनायक फाउंडेशन जो है ये पिछले अठारह सालों से इस अवार्ड को जो है वो देती हुई आ रही है इसको बोला जाता है कि ये आपका आंध्र प्रदेश का ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है इसलिए इसको आंध्रा ज्ञानपीठ भी कहा जाता है इसमें दो लाख रुपए कैश प्राइस मिलता है और हर साल ये अठारह जनवरी को दिया जाता है जिस दिन डेथ एनिवर्सरी पड़ती है यहाँ के आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामाव की और जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी उनकी ठीक है नेक्स्ट इज या ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्वेंटी टू यहाँ पर दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचेस कौन सा स्टेट जो है होस्ट करने वाला है आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आंसर हो जाएगा मैम सिक्किम तो सिक्किम जो है ये होस्ट करेगा रणजी ट्रॉफी मैचेस को पहली बार दिसंबर में नॉर्थ ईस्ट की तीन टीम्स जो है पार्टिसिपेट करेंगी एक मिजोरम से मणिपुर और आंध्र प्रदेश से कहां पर सिक्किम के अंदर जो रंग

जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं ये सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर रहे लेकिन अब तक मैक्स पेन जो है उन्होंने दो में टोटल कितनी जीत हासिल की थी मैम टोटल फिफ्टीन विन्स इन्होंने पंद्रह ग्रैंड प्रिक्स दो में जीती और ओवरऑल उनके करियर की 2022 तक टिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू कितनी टोटल विंस थी थर्टी फाइव इनकी टोटल यहाँ पर रही मैम इंश्योरेंस अवेयरनेस की बेसिक वीडियोस बिल्कुल लेके आ रही हूँ नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी अभी आई बी पी एस बी आई पी ओ मेन्स के एग्जाम की वजह से मैं थोड़ी सी रुकी हुई हूँ इंश्योरेंस अवेयरनेस करवाने से लेकिन नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा ठीक है इसी टाइम पर बारह बजे नेक्स्ट इज ईयर हुज वन द यू एस ओपन मैन सिंगल टाइटल इनमें से किसने जीता है यू एस ओपन मैन सिंगल टाइटल आंसर क्या हो जाएगा मैम अल्केज ग्राशिया अल्करेज गार्शिया जो है ये स्पेनिश प्लेयर है स्पेन से बिलोंग करते हैं मैंस कैटेगरी में इन्होंने नॉर्वे के कैसपर रूड को हरा के अल्करज गार्शिया जो है उन्होंने ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी यहाँ पर जीती है गार्शिया बने सबसे युवा खिलाड़ी यंगेस्ट प्लेयर वर्ल्ड नंबर वन बनने वाले वो भी पता है कितनी उम्र में सिर्फ 19 साल की उम्र के अंदर ठीक है अगर मैं विमेंस कैटेगरी की बात करूँ यू ओपन में तो जो आपकी पोलैंड की प्लेयर हैं ईगा स्वातिक ईगा स्वातिक जो है ये कहाँ से हैं ये पोलैंड से हैं इन्होंने किसको हराया है तुनिशिया की ओंस जेब्योर को हरा के इन्होंने जीता है ये विमेंस कैटेगरी यूएस ओपन टाइटल नेक्स्ट इज एरोन फ्रिंच रिटायर्ड फ्रॉम वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट ही इज फ्रॉम विच कंट्री एरोन फ्रिंच कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं मैम ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 145 वनडे इंटरनेशनल्स में खेला है और इसके अंदर इन्होंने 26 सिक्स रन जो थे इनके लास्ट सेवन इनिंग्स के अंदर इन्होंने सिर्फ इतने रन ये स्कोर कर पाए तो अच्छा फॉर्म इनका नहीं चल रहा था आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे ये ठीक है और बहुत ही ख़राब रन बना रहे थे तो इन्होंने यहाँ पर आ, क्या किया है अब इसको अपना यहाँ पर रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया ठीक है नेक्स्ट इज ईयर वेज ऑथर्ड बुक टाइटल फॉर्जिंग मेटल नरुपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैम फॉर्जिंग मेटल जो है नुपेंद्र राव एंड पेन्नार स्टोरी ये लिखी है पवनसी लाल ने ठीक है और इसको पब्लिश किसने किया है हार्पर कोलिन्स पब्लिशर इंडिया ने याद रखना जो पवनसी लाल हैं ये मुंबई बेस्ड ऑथर एंड जर्नलिस्ट हैं जिनको सिटी जर्नलिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड दो में मिल चुका है नेक्स्ट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य विनोबा भावे हैज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट इनमें से कौन सी डेट को आचार्य विनोबा भावे जो भारत के अंदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स और स्पेसिफिकली यू नो जो पिछड़ा वर्ग जो है उसको बहुत एडवांस uh, करने के लिए माने जाते हैं इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं ये इलेवेंथ सेप्टेम्बर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जो इस बार मनाई गई इनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया और सक्सेसफुल स्प्रिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी जी भी कहा जाता है यानी कि पढ़ाई के लिए इन्होंने ये वहाँ पर टीच करते थे लोगों को जो गरीब लोग होते थे उनको फ्री में पढ़ाते थे इनको बोला जाता है नेशनल टीचर ऑफ इंडिया और महात्मा गांधी के बाद में महात्मा गांधी जी के बाद में ये निकल के आते हैं स्पिरिचुअल सक्सेसर उनके यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों को ये प्रेरित करते थे इन्होंने गीता का ट्रांसलेशन मराठी में भी किया और उसका नाम क्या दिया गीता इनाम दिया इन्होंने यहाँ पर बोला कि ये यहाँ पर खाना पीना इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था और समाधि मरण इन्होंने यहाँ पर अपने लिए चुना था और यहाँ पर वो जब उनकी मृत्यु जिस वक्त पर हुई वो पंद्रह नवंबर 1982 में इसकी वजह से ये यहाँ पर क्या हो गए इनका निधन हो गया 1940 में इनको पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही किसने चूज किया था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट तो वो गांधी जी ने चूज किया था विनोबा भावे जो है ये बोले जाते हैं कि इन्होंने स्टार्ट किया था भूधन भूधन क्या होता है गिफ्ट ऑफ लैंड मूवमेंट इन इंडिया 1951 कि अपना जो जमीन है वो दान कर दीजिए है ना किसी अच्छे कॉज के लिए अगर आपको जमीन दान करना पड़ रहा है तो कर दीजिए ये शुरू किया था भूदन किसने शुरू किया था विनोबा भावे ने नेक्स्ट इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियस डेज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट आंसर हो जाएगा मैम जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है आचार्य विनोबा भावे की उसी दिन फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया जाता है ऐसे लोग जो वन का संरक्षण करते हुए वहां पर शहीद हो जाते हैं तो उन लोगों की याद में जो इन्होंने अपने वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में अपनी जिंदगी जो है वो यहाँ पर उनको दे दी ठीक है तो याद रखना यहाँ पर ये इलेवेंथ सेप्टेम्बर इसलिए चूज किया क्योंकि इसी दिन सेवनटीन में जो एक खे खेजरली हत्याकांड हुआ था जहाँ पर महाराजा अभय सिंह राजस्थान के हैं उन्होंने खेजरली पेड़ जो थे वनों के अंदर उनको काटने का ऑर्डर दिया था जिसके बाद में बहुत सारे लोग उसको बचाने के चक्कर में मारे गए नेक्स्ट इज या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ट्वेंटी पहला कह रहा है कि जापान जो है वो टॉप पर रहा लगातार चौथे ईयर में फिर दूसरा कह रहा है इंडियन पासपोर्ट की रैंक एटी थी तीसरा कह रहा है मॉरिशियस और कजाकिस्तान पासपोर्ट जो है ये उतने ही पावरफुल हैं जितना इंडिया का पासपोर्ट है चौथा कह रहा है अफगानिस्तान रिमेन द वीकेस्ट पासपोर्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट और थर्ड सही है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा तो सॉरी फर्स्ट और थर्ड जो है ये गलत है सेकेंड और फोर्थ यहाँ पर सही है कि इंडिया की रैंक एट्टी फिफ्थ है और यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर क्या रहा है वीकेस्ट रहा है ठीक है तो ये ध्यान रखना नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक सेकेंड मेरा यहाँ पे ओके हाँ, तो अब यहां पर देखते हैं जापान जो है ये टॉप पर रहा 193 कंट्रीज जो है वो इसको क्या देती है वीजा फ्री एंट्री देती हैं लेकिन अगर बात करें कि जापान फोर्थ नहीं है लगातार पांच साल से क्या चल रहा है यहां पर लगातार पांच साल से जापान जो है यहां पर फर्स्ट पर चल रहा है एक सेकेंड रुकना ओके okay, हाँ तो क्या कर रहे थे हम यहाँ पर बोल रहे थे जापान जो है वो क्या रहा जापान रहा यहाँ पर टॉप पे ठीक है और सिंगापुर और साउथ कोरिया दोनों सेकंड नंबर पे रहते हैं इन दोनों को 192 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री क्या है यहाँ पर एक्सेस है जबकि जर्मनी रहा थर्ड पर और यहाँ पर स्पेन रहा उस पर फोर्थ पर ठीक है ये आपको याद रखना है जर्मनी फोर्थ पर और स्पेन फिफ्थ पर क्योंकि यहाँ पर थर्ड की जगह पर दो कंट्री सेकंड स्पॉट पर रहे इंडियन पासपोर्ट जो है वो एटी फिफ्थ नंबर पे रहा जहाँ पर हमको सिर्फ फिफ्टी नाइन कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री दी जाती है वर्ल्ड वाइड ठीक है अगर पिछली बार की बात करें तो हमने पिछली बार से दो इम्प्रूव किया है पिछली बार हमारी कितनी रैंक थी एटी थी इस बार हमारी कितनी है एटी है मोरिशियस और उज्बेकिस्तान जो है इनके पासपोर्ट इंडिया के पासपोर्ट जैसे ही पावरफुल है क्योंकि इनको भी 59 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलता है वो कौन कौन से देश है मॉरिशियस और उज्बेकिस्तान जो है यूएस जो है ये टॉप 22 में रहा क्योंकि यहाँ पर इसको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है 186 एट्टी सिक्स प्लेसेज में लाइक स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड नॉर्वे यहाँ पर ये क्या करते हैं ये तीन चार देश जो है इनको क्या मिलता है इतनी सारी वन एट्टी सिक्स कंट्रीज में इनको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है चाइना जो है चाइना के पास में अस्सी देशों का एक्सेस है और बोलीविया के पास में भी अस्सी देशों का एक्सेस है रशिया जो है ये यह यहाँ पर हैसल फ्री एंट्री देता है एक सौ डेस्टिनेशन कंट्रीज में जबकि अफगानिस्तान जो है ये वीकेस्ट रहा इसको एक्सेस सिर्फ सत्ताइस कंट्रीज में वीज़ा फ्री अराइवल है अफगानिस्तान के लोगों को नेक्स्ट इज एयर विच बैंक इज लॉन्च एन एम एस एम ई पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइडिंग इंस्टेंट ऑनलाइन इन प्रिंसिपल अप्रूवल अप टू वन करोड़ रुपीज आंसर यहां पर क्या होगा आंसर हो जाएगा मैम साउथ इंडियन बैंक साउथ इंडियन बैंक जो है उसने यहाँ पर यहाँ पर एम ऑनलाइन पोर्टल इधर लॉन्च किया है इंस्टेंट ऑनलाइन इन प्रिंसिपल अप्रूवल कितने तक का एक करोड़ रुपए तक का तो यहाँ पर जितने भी एम एस एम साउथ इंडियन बैंक उनको इंस्टेंट फंड देने वाला है ठीक है जो भी उनको पैसे की जरूरत है मान लीजिए कि कुछ हजारों कुछ रुपये की जरूरत है तो माइक्रो और स्मॉल बिजनेसिस को इस टाइप के लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर आपका ये देख लेना एम डी एन कौन है साउथ इंडियन बैंक के तो वो है रामाकृष्णन और साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर तरह फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट यहाँ ने पर है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये इनमें से कौन सी लैंग्वेज अपने स्कूलों के अंदर चलाने वाले हैं हिंदी उर्दू पंजाबी या फिर तमिल आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैम पंजाबी पंजाबी जो है अब यहाँ पर नई लैंग्वेज बनने वाली है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी ये यहाँ पर पंजाबी को अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं एज अ न्यू लैंग्वेज जब यहाँ पर 2021 के सेंसस ने शो किया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली जो लैंग्वेज है बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो कौन सी है पंजाबी है यहाँ पर दो लाख से ज़्यादा दो लाख चालीस हज़ार के अराउंड लोग जो हैं वो अपने घर पर क्या बोलते हैं पंजाबी बोलते हैं 2016 से 2021 में इसके अंदर 80 परसेंट का इनक्रीज़ देखने को मिला यहां तक कि वो सिलेबस जो प्री प्राइमरी से ले कर बारहवीं तक का जो सिलेबस होता है उसको अब डेवलप कर रहे हैं और यहां पर पंजाबी जो है वो स्कूल्स में सिखाई जाएगी सिलेबस में इंक्लूड की जाएगी जब यहाँ पर सिलेबस में ऑलरेडी ये लोग तमिल हिंदी और कोरियन लैंग्वेजेस को 2021 में क्या कर चुके हैं इंक्लूड कर चुके हैं यहाँ पर ये बात हो चुकी है तो अब ये पंजाबी को भी इधर लेके आने वाले हैं नेक्स्ट इज य द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आर बी आई माइकल देव पात्रा बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ वन ईयर एक साल के लिए और इनका जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दिया गया आपसे पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आर एट प्रेजेंट आंसर करो फटाफट ओके okay, सो so यहाँ पर क्या होगा आंसर आंसर हो जाएगा कि मैम टी रविशंकर माइकल डी पात्रा की तो ऑब्वियसली ये बात कह ही रहा है तो ऑब्वियसा है कि वो तो होगा नहीं है ना वो तो इसमें से इंक्लूडेड होगा नहीं फिर यहाँ पर और क्या कह रहा है आशिमा गोयल अच्छा आशिमा गोयल जो है ये डेप्यूटी गवर्नर नहीं है ये किसका पार्ट है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पार्ट है है ना आशिमा गोयल जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पार्ट है ना कि डेप्यूटी गवर्नर राइट और एम के जैन है इसका पार्ट और अब यहां पर देखो ये तो हो गए तीनों के तीनों ये तीनों तो हैं, फिर एक चौथा वाला बच गया फोर्थ कौन सा है एम राजेश्वर राव ठीक है ये याद रखना ओके आशिमा गोयल यहां की नहीं है आशिमा गोयल एमपीसी सी की मेंबर हैं ठीक है थीके? ये याद रखना आप और अगर आपसे के अंदर टोटल कितने यहाँ पर लोग होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट टोटल मैम सिक्स मेंबर्स होते हैं सिक्स मेंबर्स में से जनरली तीन मेंबर किसके होते हैं आरबीआई के होते हैं और बाकी तीन मेंबर कौन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से कोई भी ऐसे अधिकारी जो जिनका किसी भी एक पब्लिक या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में वो काफ़ी अच्छे उस पर होते हैं उनको वो भेज देते हैं अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन के लिए नेक्स्ट कह रहा हूँ वो एज बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ मेटाज ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया मेटा के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए आंसर क्या हो जाएगा मैम विकास पुरोहित ठीक है तो विकास पुरोहित को यहाँ पर बोला है कि पूरा यानी कि जो ग्लोबल बिजनेस है ना फेसबुक मेटा जो है उसको पूरा हिट कर दो तो किस उसको हिट कराने के लिए किसको अपॉइंट किया है विकास पुरोहित को नेक्स्ट है आपका नोंगमेई कपम कोटेश्वर सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट इनमें से कौन से कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं तो आंसर क्या होगा इधर हाँ ये भी याद रख सकते हो पूरा ज्ञान ग्लोबल बिजनेस का कैसे भी याद रख लो जैसे तुमसे याद रखा जाए आंसर क्या हो जाएगा मैम अभी फ़िलहाल में ये कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं कहाँ के नेगमी कापम कोटेश्वर सिंह को गुवाहाटी हाई कोर्ट का यहाँ पर बनाया गया है ठीक है कब से बारह जनवरी से इनको अपॉइंट किया गया है ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं रश्मिन छाया को रिप्लेस कर रहे हैं जिनका ग्यारह जनवरी दो को क्या हो गया रिटायरमेंट हो गया तो हमारा जो आर्टिकल टू है वो ये पावर देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल टू ट्वेंटी थ्री कि राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है किसी को अपॉइंट कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की ड्यूटीज़ निभाने के लिए कुछ समय तक जब तक कोई प्रॉपर वहाँ पर चुना नहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं सिक्सटी फाइव ईयर्स की एज में लेकिन हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो सिक्सटी टू ईयर्स की एज में ही रिटायर हो जाते हैं नेक्स्ट इज ईयर विद स्टेट चीफ मिनिस्टर अनवेल द मैस्को टॉर्च एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनमें से कौन से आ, 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 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया तो ऑब्वियसली बात है कि मैं मध्य प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम्स शुरू होने वाला है अच्छा अगर मैं आपसे कौन से नंबर का कौन से यहां तो पर शुरू हो रहा है ठीक है मैस्कॉट क्या रखा गया है मैस्कॉट क्या है मैस्कॉट है आशा और अगर आपसे पूछेगा थीम क्या है या एंथम क्या है तो थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो जो कि आपके एक सिंगर हैं शान उन्होंने गाया है ठीक है अब यहाँ पर इसको कहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने मेस्कॉट टॉर्च एंथम ये सारे शौर्य स्मारक जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में वहाँ पर क्या किया इसको लॉन्च किया है टॉर्च ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम क्या रखा गया इसका नाम रखा गया अमरकंटक ठीक है जो माँ नर्मदा की वहाँ पर एक तरीके से फिगराइन जो है उसके ऊपर क्या है उसके ऊपर गुदवा के बनाया हुआ है ठीक है एनग्रेवड है ये जो गेम्स है ये मध्य प्रदेश में कब से शुरू हो रहे हैं इकतीस जनवरी से लेके ग्यारह फरवरी तक चलेंगे पहली बार है यहां पर एक वाटर स्पोर्ट्स है जिसका नाम है काया किंग केनो और कैनो सलाम एंड फेंसिंग जो है ये पहली बार खेलो इंडिया गेम्स के पार्ट बनेंगे इसको आठ डिफरेंट सिटीज में मध्य प्रदेश में कंडक्ट कराया जा रहा है जैसे कि भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर उज्जैन महेश्वर बांडला एंड बालाघाट इन आठ जगहों पर कंडक्ट कराया जाएगा फोर्थ वाला हुआ था पंचकुला हरियाणा के अंदर चार से लेकर तेरह जून तक चला था चंडीगढ़ में भी इसके कुछ मैचेस खेले गए थे नेक्स्ट इज यर एशले गार्डनर हैज़ वोन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर डिसम्बर 2022 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ही बिलोंग आंसर क्या हो जाएगा मैम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के हैरी ब्रुक जो है उन्होंने यहाँ पर पहला आई सी प्लेयर ऑफ द मंथ क्राउन फॉर डिसम्बर मंथ यहाँ पर जीता है ब्रुक जो है उन्होंने इंग्लैंड को यहाँ पर क्या जिताया है इंग्लैंड को जिताया है World वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो एशली गार्डनर है वो यहां पर क्या बनी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ़ द मंथ बनी दिसंबर 2022 के लिए नेक्स्ट इज फिल्म हैज द हैजीए एनुअल गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड ट्वेंटी इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा आंसर क्या हो जाएगा अभी अस्सीवें नंबर के एनुअल गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड दिए गए अच्छा इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कौन सी रही फेबल मैं रही द फैबलमेंस जो है उसको बेस्ट फीचर फिल्म यहां पर बोला गया ड्रामा के अंदर ठीक है ये सेरेमनी दस जनवरी को हुई थी दो को जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको मिला था इंडियन मूवी जो है ट्रिपल आर उसका जो सॉन्ग है नाटो तो, नाटो तो, उसको मिला था ठीक है और उसके कंपोजर कौन है एम एम कीरावानी एम एम कीरावानी जो है उनको अभी कौन सा अवार्ड मिला है एक अवार्ड भी मिला है मुझे ये बताओ उनको पद्म भूषण मिला है या पद्मश्री मिला है फटाफट से बॉक्स में बताओ ऑस्कस में भी नॉमिनेशन मिला है हाँ ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज सेलिब्रेटिंग रोड सेफ्टी वीक अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम विच डेट टू विच डेट आंसर क्या हो जाएगा मैम 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज जो है वो क्या मना रही है यहाँ पर रोड सेफ्टी वीक मना रही हैं अब इसका एम क्या है कि यहाँ पर हम स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी जो हमारे रोड्स हैं उनको सेफ बना सके ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है नेशनल यूथ डे जो हर साल मनाया जाता है बारह जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी

किया जाता है ऑनर किया जाता है और लोगों की बीच में उसको किया गया। here, अब तक टोटल कितनी चल चुकी है सात के बाद में अब आठवीं भी आ चुकी है जो सिकंदराबाद से लेके विशाखापट्टनम तक है लेकिन छठी वाली कहां से कहां तक चलाई गई बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लेके नागपुर महाराष्ट्र तक चलाई गई ठीक है तो मैं ऑलरेडी यह तुम्हें बता चुकी हूँ ये तुम देख लेना पीडीएफ के अंदर प्लस आज लास्ट डे है इन ऑफर्स का तो किसी को भी ये ऑफ़र अगर अवेल करना है तो शीतल कोड का यूज़ करें और ये सारे ऑफर आपके अवेल हो जाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ऑलवेज यूज शीतल कोड नेक्स्ट इज यर फर्स्ट जी ट्वेंटी फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटी मीटिंग जो कि शेड्यूल्ड थी कब तेरह से लेकर पंद्रह दिसंबर को हुई है कहाँ पर हुई वेरी वेरी ऑब्वियस मैम फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज़ ये बेंगलुरु के अंदर कंडक्ट होती है ठीक है ये हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में यूथ ट्वेंटी सिविल ट्वेंटी सब कुछ पढ़ा था नेक्स्ट इज यार तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन जो है उन्होंने सैनिटेशन वर्कर के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है और उस मोबाइल ऐप का नाम क्या दिया है स्वाश आपसे पूछ रहा है व्हाट डस डब्ल्यू स्टैंड फॉर इन स्वाश स्वाश के अंदर डब्ल्यू का मतलब क्या है आंसर क्या हो जाएगा मैम आंसर हो जाएगा इसका मतलब है वेलफेयर स्वाश क्या है सैनिटेशन वर्कर हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर सेफ्टी ये किन सबका सैनिटेशन वर्कर का ठीक है प्रॉपर एजुकेशन लाया जाएगा जो यहाँ पर कंजर्वेंसी वर्कर्स सैनिटेशन वर्कर्स जो है इनके वेलफेयर के ऊपर बात करेंगे इस स्कीम के तहत कुछ सेफ्टी किट्स लाइक ग्लव्स बूट्स ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए ऐसे फिफ्टी थ्री थाउजेंड से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स को नेक्स्ट इज एयर विद स्टेट गवर्नमेंटेड पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल अनवील्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क रिसेंटली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेघालय मेघालय की जो सरकार है उसने यहाँ पर स्टार्टअप एक है टेक ईगल उसके साथ में मिलकर ये पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क जो है वो मेघालय के अंदर बना रहे हैं नेक्स्ट इज देयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट फेज शुरू किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा रिसेंटली इन्होंने इसका नाम क्या क्या रखा गया आफ्टर पर्सन तो आंसर आंसर हो हो जाएगा हो जाएगा मैम इसको मनोहर इंटरनेशनल गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है तो किसके नाम पर रखा मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है मोपा जो कि नॉर्थ गोवा में पड़ता है वहां पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका फर्स्ट फेज इनोग्रेट किया गया इनको गोवा के जो लेट चीफ मिनिस्टर हैं पूर्व

इंडिया के जो पहले हुआ करते थे ना प्रेसिडेंट उनकी वाइफ है ये यानी कि हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत सिंह चौटाला ये उनकी वाइफ है पहले दुष्यंत सिंह चौटाला थे बनी है, जो बनी है, वो कौन है कमलेश मेहता को यहां पर बनाया गया है जो एट टाइम नेशनल चैंपियन है ठीक है और पटेल नागेंद्र रेड्डी जो है वो क्या बने हैं ट्रेजरार बने हैं ओके याद रहेगा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एक एसोसिएशन हाँ नेपोटिज्म ही चल रही है इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो भी इस टाइप के जो संघ होते हैं ना स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है मुझे उसमें लगता है कि उसी के किसी पूर्व वेटरन खिलाड़ी को प्रेजिडेंट uh, या बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए बिकॉज जितना वो उस खेल को समझता है मुझे नहीं लगता कोई और समझता होगा या तो किसी कोच को कोच रह चुके हों जो काफ़ी वेटरन कोच हो या फिर किसी एथलीट को गेम से ही रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि अननेसेसरी क्या करते हैं कि ये लोग कि जो भी पावर में होता है नेता होता है वहां पर कोई पावर में उसको बना देते हैं तो वो वाली सिचुएशन आती है कि वो अपने आप को बहुत उपर समझने लगता है और खिलाड़ियों को ना बिल्कुल कुछ नहीं समझता है लेकिन जब एक खिलाड़ी वहां पर, a, you know, तुम लोगों को क्या लगता है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हाँ जैसे पीटी उषा को बनाया गया बहुत अच्छा डिसीजन है ऐसे ही होना चाहिए बिकॉज इिवेंस हो जाता है जब आप किसी को भी ऐसे मेघना अगर वो उन्होंने कभी जिंदगी में खेल नहीं खेला उनको क्या पता है ये कैसे सिचुएशन चलती है मतलब वो तो फिर वो बात हो गई ना कि सिर्फ सत्ता देने वाली बात हो गई तो सत्ता उसके पास में हो जो उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सके है ना चलो हु हैज बिन सिलेक्टेड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैम अजय एच पटेल यहाँ पर पी टी ऊषा जो कि हमारी फॉर्मर एथलीट है उनको वो बनी है इस बार पहली बार इनफैक्ट आफ्टर 42 टू ईयर्स के बाद में पीटी ऊषा एक ऐसी एथलीट बनी है जो यहां पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेजिडेंट बनी है अदरवाइज एथलीट को प्रेजिडेंट बनाते ही नहीं है मतलब सर के ऊपर एक ऐसा बंदा छोड़ देते हैं जो उस खेल से दूर दूर तक जिसका कोई रिश्ता नहीं है फिर उसको समझाते रहो खिलाड़ी की नहीं है सही नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं है। उसको कौन सा समझ में आना उसने बड़ा खेल देखा है और उसके पास में इतनी बड़ी पोस्ट है कि फिर वो जैसे चाहे लोगों को वैसे कठपुतली बना के चला सकता है अपने ऑर्डर्स कर सकता है ना तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में चल भी बहुत कबाड़ा रहा था कभी कोई प्रेसिडेंट बहुत मतलब यहां पर कंट्रोवर्सी चली है उसके बाद में जाके यहां पर यह मनी है और ये मल्टीपल टाइम्स एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं फोर्थ प्लेस फिनिशर रही हैं 1984 के ओलंपिक्स 400 मीटर हर्डल फाइनल्स के अंदर ठीक है और यहाँ पर किन को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है अजय एच पटेल को नीचे तुम कोई भी बनाओ सबसे टॉप पोस्ट किसी इसी, उसकी रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन की ही होनी चाहिए जो कि वेटरन हो काफी पुराना अच्छा खासा यू नो एक्सपीरियंसड बंदा हो ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज द फर्स्ट पोजिशन इन द कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आई जनरेशन ड्यूरिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 ठीक है आंसर यहां पर क्या होगा आंसर हो जाएगा मैम जम्मू कश्मीर में इनमें से जम्मू कश्मीर के उधर क्या किया गया फर्स्ट पोजीशन रहा है जम्मू कश्मीर का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के तहत शुरू किया गया इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में ठीक है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट है आपको हैज बिन ऑनर्ड विद द प्रेजिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इज कम्युनिटी एंड द कंट्री आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैम कृष्णा बबी लाला जो है कृष्णा बबी लाला को यहाँ पर इंडियन अमेरिकन है और इनको मिला है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो भी इन्होंने अपनी कम्युनिटी समुदाय अपने देश के लिए किया है ये देश का सबसे बड़ा क्या माना जाता है ऑनर माना जाता है किसी भी कॉम्युनिटी के लिए तो बबी लाला जो है ये आंध्र प्रदेश से हैं और ये फाउंडर एंड चेयरमैन है फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज एफ के नेक्स्ट है आपका नोबल प्राइज डेज इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट तो कौन से डे को मनाया जाता है नोबल प्राइज डे अभी भी कहूंगी नोबल प्राइजेस अच्छे से करते हुए जाना नोबल प्राइजेस के साथ साथ इस बार ग्लोबल गोल्डन ग्लोब्स प्राइस भी करते हुए जाना ठीक है और अब तो पद्मश्री भी मिल चुके हैं पद्म अवार्ड्स भी मिल चुके हैं तो वो भी एक बार देख लेना वैसे चांसेस तो इन दोनों के ज्यादा आए हैं ठीक है ठीके? अब यहाँ पर नोबेल प्राइज डे जो है ये दस दिसंबर को बनाया जाता है यहाँ पर एल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश इंजीनियर थे जो फेमस है किसके लिए डायनामाइट की आ, इन्वेंशन के लिए फेमस है इनको बोला जाता है अल्फ्रेड नोबल को नोन एज मर्चेंट ऑफ डेथ यानी कि मौत का सौदागर कहा जाता है ये इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का फॉर्मेशन इधर किया उसके बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पर अपनी चीज़ों को कवर अप करने के लिए फ्लेंथ्रॉफिस्ट बन गए है ना फिर ये लोगों की भलाई के लिए पैसा लगाने लग गए तो इनकी याद में यहाँ पर पाँच नोबल प्राइज़ जो है फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी मेडिसिन एक ही है लिटरेचर पीस इनको शुरू किया गया 1901 में कब 10 दिसंबर को इसीलिए नोबेल प्राइज डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट इज ये Which country has signed four MOUs with India in areas of एरियाज़ ऑफ़ एग्रीकल इन एरियाज़ ऑफ़ कल्चर वाइल्ड लाइफ एंड तो आंसर क्या हो जाएगा मैम ये चार किस्ने साइनअप किए ये चार साइनअप हुए इंडिया और कम्बोडिया के बीच में ठीक है यहाँ पर ये जर्नली इससे रिलेटेड थे और एक जो लास्ट फोर्थ एम ओ यू था वो रिलेटेड था वाट राजा बो पगोड़ा पेंटिंग्स से रिलेटेड कम्बोडिया की पेंटिंग्स है उससे रिलेटेड नेक्स्ट आपका हुआजनाउंस न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ वन पॉइंट सिक्स लाख करोड़ रुपीज़

नए रोड प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सरफेस कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में प्रोवाइड करने के लिए पहुंचाएंगे फिर कुछ नए प्रोजेक्ट पचास हजार करोड़ के असम के लिए ला रहे हैं नौ हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मेघालय में लॉन्च कर रहे हैं पांच हजार के नागालैंड और चार हजार के सिक्किम के लिए अप्रूव किए गए हैं और दो हजार चौबीस तक यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट का जो पूरा सिनारियो है जो पूरा इसका देखने का नजरिया ना वो बिल्कुल बदल कर रख देंगे ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है आपकी जैसे कि अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम जिसमें गुवाहाटी जो है कहा जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है इसको ठीक है दो तीन बार रीड करोगे याद हो जाएगी बहुत बड़ी चीज नहीं है हाँ यहाँ पर पहली नॉर्थ ईस्ट की जो वंदे भारत नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बेसिकली चलाई गई वो कहाँ से कहाँ तक थी वो हावड़ा से लेके और जलपाईगुड़ी तक तो ये पहली ऐसी वंदे भारत थी जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी कवर कर रही थी है ना और ये कौन से वैसे कौन से ओवरऑल नंबर की थी सातवें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाँचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर चलाई चेन्नई से लेके कहाँ तक तो आंसर हो जाएगा मैं मैसूर तक ये वैसे तो पाँचवीं थी लेकिन साउथ इंडिया के अंदर ये थी यानी कि दक्षिण भारत की यह पहली थी ठीक है उसके अलावा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन भी इन्होंने के एस आर रेलवे स्टेशन जो है वहां से क्या किया गया लॉन्च किया क्रांति वीरा संगोली रायसना रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया ठीक है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सेवेंटी फाइव ऐसी जो है, ये इंडिया के अंदर दो हजार तेईस तक लॉन्च होने वाली हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक सौ आठ फीट का लंबा ब्रॉन्ज स्टैचू जो है ठीक है कांस्य प्रतिमा जो है उसका अनावरण किया ये कांस्य प्रतिमा किसकी है नाद प्रभो कैम्पे गोड़ा जी कौन सी सिटी के अंदर जिस सिटी के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं अच्छा कैंपे जी बोले जाते हैं आर्किटेक्ट ऑफ बेंगलुरु ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने बेंगलुरु के अंदर इसको लॉन्च किया और इसको नाम क्या दिया इनकी स्टैचू को नाम दिया स्टैचू ऑफ़ प्रोस्पैरिटी जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और स्टैचू ऑफ़ प्रोस्पैरिटी किसका है श्री नद प्रभु कैंपे कैंपेगोड़ा का ठीक है तो ऐसे कैंपे हम कह सकते हैं ठीक है तो ये याद रखना प्लस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एस एस ए आई हैज अडिट विच रेलवे स्टेशन ऑफ फोर स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिश फूड टू पैसेंजर्स रिसेंटली आंसर हो जाएगा भोपाल रेलवे स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन जो है उसको फोर स्टार में फोर स्टार मिले हैं ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशियस फूड वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पैसेंजर्स को यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑडिट रेटिंग एजेंसी रेट जो होते हैं उनको स्केल करते हैं एक से ले कर पाँच स्टार के बीच में कि किस टाइप का फूड स्टोरेज और हाइजीन uh, कैसा रखते हैं ये लोग तो सितंबर दो हजार इक्कीस में इसके अलावा और किन किन को फाइव स्टार मिल चुका है वो है आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई एंड वडोदरा रेलवे स्टेशन वडोदरा गुजरात नेक्स्ट इज एयर हैज लॉन्च द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल टू इंक्रीज द परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री आंसर क्या हो जाएगा मैम आर के सिंह आर के सिंह जो कि यूनियन पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया ताकि यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी परचेज को बढ़ाया जा सके ये पोर्टल जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स जो हैं उनको यहां पर सौ किलो वोट और उससे ज्यादा का जो रिन्यूएबल एनर्जी का सप्लाई किया जाएगा ठीक है अब कंज्यूमर्स को यहां पर सौ किलो वोट तक मिला

आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में एज अ डायरेक्टर यहां पर ही अपॉइंटेड थे नेक्स्ट इज नोटेड राइटर्स मधु कंकरिया एंड डॉक्टर माधव हाडा हैव बीन अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड रिसेंटली माधव हाडा और मधु कंकरिया जो है इनको कौन सा अवार्ड मिला है बुरा बिहारी पुरस्कार दिया गया तो मधु और माधव हाडा दोनों को थर्टी नंबर का बिहारी पुरस्कार यहाँ पर दिया थर्टी मिला मधु कंकरिया को और माधव हाडा को मिला थर्टी सेकेंड नंबर का कंकरिया जो है इनको मिला उनका 2018 का नॉर्वल है हम यहाँ थे उसके लिए और माधव हाडा जो है उन्होंने 2015 में एक किताब लिखी थी पंचरंग चोला पहाड़ सकीरी उसके लिए इनको थर्टी सेकेंड बिहारी पुरस्कार दिया गया दस सालों से ये दिया जा रहा है हिंदी राजस्थानी में लिखे हुए जो ऐसे बहुत सुंदर रचनाएं जो होती हैं उनके लिए 1991 में के के बिरला फाउंडेशन ने बिहारी पुरस्कार देना शुरू किया था ऐसे तीन अवार्ड्स देने शुरू किए थे जिनमें से एक बिहारी पुरस्कार भी था सरस्वती सम्मान भी था और इसका नाम बिहारी एक फेमस पॉइंट है बिहारी जिनके लिए रखा गया राजस्थानी ऑथर्स को दिया जाता है कैश प्राइजेस में ढाई लाख रुपए एक प्लाक और एक साइटेशन मिलती है नेक्स्ट इज यर बिन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स थर्ड इन रेकग्निशन ऑफ हिस डिस्टिंग सर्विसेज टू साइंस साइंस के अंदर वेंकी रामाकृष्णन जो है ये इंडियन ऑरिजिन के

अब रिपब्लिक डे ऑफर रिपब्लिक डे ऑफर के आज लास्ट डेट है तो शीतल कोड यूज करके यहाँ पर आप मैक्सिमम ऑफ पा सकते हैं टॉप टेन लीडर बोर्ड के लिए कम से कम मुझे बीस से तीस बच्चों का यहाँ पर थर्टी स्टूडेंट्स का कम से कम होमवर्क चाहिए चाहिए आफ्टर द क्लास लिख देना मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं क्लास के पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें शीतल शर्मा जीरो वन यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर के सब्सक्राइबर्स हैं तो इसी वाले चैनल पर ज्वाइन करिएगा आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच एवरी जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कल मिलते हैं आपसे बारह बजे वीकली करंट अफेयर्स करने वाले हैं जनवरी का सोलह से लेकर तेईस जनवरी दो तक का ठीक है Okay, then bye bye and take care. Thank you so much, everyone. Wish you guys all the very best for your exam.